हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ कुल्फा का लस्सी वाला साग और कुल्फा का प्याज के साथ में भुजिया। जी हाँ, ये बहुत ही टेस्टी और जायकेदार बनती है। आपने कभी बनाया है इसे? नहीं बनाया तो इसे एक बार ट्राई जरूर करना। ये बेहद ही टेस्टी बनती है और इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। ये गर्मियों के सीजन में आता है, कोई इसको कुल्फा, नूनर, कोई इसे लोनी और इंग्लिश में इसे पर्सलिन बोला जाता है। आप इसे देख सकते हैं, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे गार्डन में बहुत ज्यादा उगी है और कई बार मैं बना भी चुकी हूँ। आज मैंने सोचा आप लोगों के लिए इसे मैं दिखाती हूँ कैसे बनाया जाता है। ये 100% ऑर्गेनिक होती है, मतलब ये विदाउट फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स के बगैर उगती है और ये वाइल्ड ही उगती है। ये किचन गार्डन या फ्लावर बेड्स में बड़े आराम से आप देख सकते हैं। इसके हरे हरे डंठल बहुत ही फायदेमंद होते हैं शुगर पेशेंट और ये हार्ट के पेशेंट्स के लिए तो बहुत ही लाभकारी है। ये मैंने अपने गार्डन से ही कलेक्ट की है। इसे अच्छे से 2-3 बार धो लेना है। इसके स्टेम बहुत ही मुलायम होते हैं। इसकी जड़ को मैंने अलग कर दिया है और स्टेम इसके इतने मुलायम है कि इन्हें हम फेंकेंगे नहीं, 2-4 बार इसे धो लेंगे। इसे इसकी डर्ट और कोई इंसेक्ट वगैरह होंगे तो वो सब निकल जाएंगे। कुल्फा लगता तो मेथी के जैसा है, लेकिन ये मेथी नहीं कुल्फा है और मार्केट में भी बड़े आराम से मिल जाता है। टेस्ट में ये नमकीन होता है, इसलिए इसे नूनिया कहते हैं। धोने के बाद कपड़े से इस तरह से पोंछ लेंगे ताकि इसका सारा पानी सूख जाए। कपड़े से पोंछ कर पानी सुखा लिया है। अब देखिए, इसको हम हाथ में एक सार करेंगे और चाकू की हेल्प से इसको फाइन कट कर लें। डंठल को फेंकना नहीं है, डंठल को भी साथ में काटना है। डंठल में बहुत सारी विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो किसी भी हरी सब्जी में नहीं होता है। आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन ए इसमें भरपूर मात्रा में होता है जो हमारे माइंड को शार्प करता है। तो बच्चों को आप ये जरूर खिलाएं। सारे कुल्फा को हम 2 पार्ट में कर लेंगे क्योंकि हमने 2 रेसिपी बनानी है। पहले हम इसे दही और बेसन के साथ में बनाएंगे। ये देखिए, कुल्फा के साथ में हमने लिया है 1/2 चम्मच हल्दी, लाल मिर्ची, जीरा और थोड़ी सी हींग, 1 प्याज है मीडियम साइज का, 4-5 हरी मिर्ची, 1 किलो दही ली है और 2 टेबलस्पून भर के हमने बेसन लिया है। नॉर्मल कढ़ी की तरह हम सबसे पहले दही में बेसन को घोल लेंगे। खूब अच्छे से इसे घोलना है ताकि इसमें गुठली या गांठ बिल्कुल ना। दही भी ताजी होनी चाहिए, ज्यादा खट्टी दही नहीं होनी चाहिए क्योंकि इस साग का अपना खुद का भी खट्टापन होता है। ये बहुत ही टेस्टी और मजेदार लगती है तो इसे एक बार ट्राई जरूर करें। बेसन और दही का घोल तैयार है। अब एक पैन में 2-3 टेबलस्पून सरसों के ऑयल को अच्छे से गर्म करके 1/2 चम्मच जीरा और हींग डाल दी, 1/2 चम्मच हल्दी डाल दी और साथ में हरी मिर्ची डालकर प्याज को भी इसके अंदर डाल दिया है। 1-2 मिनट के लिए इसे सौटे करेंगे और साथ में हरे साग को भी इसके अंदर डाल। 2-4 मिनट धीमी आंच पर हमें चलाते हुए इसे भूनना है। इसकी डंठल बहुत ही मुलायम और पत्तियां बहुत ही सॉफ्ट होती हैं। ये बहुत जल्दी गल जाती हैं, इसीलिए इसे लगातार चलाते चलाते ही पकाएं। कुल्फा का साग आप बच्चों को जरूर खिलाएं। ये देसी चीज़ें खाने की आदत अगर बच्चों में बचपन से ही डेवलप हो जाएगी तो उनका माइंड शार्प रहेगा। देखिए, 4-5 मिनट हो गए पकते पकते, सारी पत्तियां और डंठल अच्छे से गल गए हैं। इसी समय इसमें दही और बेसन का घोल डाल देंगे और इसे लगातार चलाएंगे। आँच धीमी रखनी है। बर्तन को धोकर थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाल देंगे। लगातार चलाएं ताकि गांठें ना बने। नॉर्मल कढ़ी की तरह ही हमें इसे लगातार चलाते रहना है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दें और चलाएं। धीमी आंच पर इसे 5-7 मिनट के लिए हमें ऐसे ही पकाना, लेकिन लगातार चलाते रहना। पकते पकते ये थोड़ी गाढ़ी हो गई है, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। जैसे ये थोड़ी थिक होती है तो अब इसे हम चलाना बंद कर देंगे। 1 चम्मच सरसों का ऑयल डालकर तड़का तैयार करें, लाल मिर्ची डालकर और इसके ऊपर डाल दें। ये देखिए, बहुत ही मस्त बनी है। इसे चावल के साथ सर्व करें। जिसे कढ़ी पसंद है उसे तो आज मजा आ जाएगा और चावल के साथ पापड़ सेक कर इसे आप खाएंगे तो
और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी। ये कुल्फा कढ़ी बहुत हेल्दी है क्योंकि इसे लस्सी के साथ बनाया जाता है। इसे आप नाश्ते में पूरी, पराठा, रोटी किसी के साथ भी खाएं, ये बहुत मज़ेदार लग, बनने में बहुत इजी भी है और बहुत जल्दी बनकर तैयार होती है। तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपकी ये कुल्फा कढ़ी कैसी बनी। रेसिपी पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करें। दूसरी रेसिपी के लिए ये कुल्फा जो पहले ही हमने हाफ पार्ट किया था, 4-5 हरी मिर्ची कटी हुई, 1 मीडियम साइज का प्याज, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची, 1 बड़ी चम्मच भर के धनिया, 1/2 चम्मच हल्दी, सौंफ पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा और थोड़ी सी हींग, 2 चम्मच ऑयल गरम करके उसमें जीरा डाल दिया, थोड़ा सा जीरा भूनते ही उसमें हींग डाल दी, साथ में ही प्याज डाल दिया, थोड़ा सा इसको सौटे करेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है इसे, मिर्ची डाल देंगे, मिक्स करेंगे थोड़ा सा, साथ में ही इसमें मसाले डालेंगे, एक साथ डाल देंगे सारे मसाले, थोड़ा सा भून लेंगे इन्हें और उसके साथ ही इसमें साग को डाल देंगे, मिक्स करेंगे और धीमी आंच पर ही हमें इसे पकाना है। टमाटर भी डाल देंगे, वैसे तो इस साग का अपना खट्टापन होता है लेकिन टमाटर से इसमें और अच्छा टेस्ट आता है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, नमक कम ऐड करें क्योंकि इसका खुद का टेस्ट भी सॉल्टी होता है। मीडियम फ्लेम पर ढक कर हम 2-3 मिनट तक धीमी आंच पर बॉयल करेंगे। ये जल्दी पानी छोड़ता है इसलिए इसमें हमें पानी बिल्कुल नहीं डालना। 2-3 मिनट बाद देखेंगे इसका काफ़ी पानी सूख गया है। ये देखिए, इसे लगातार धीमी आँच पर ही हमें पकाना है। अब इसमें सौंफ पाउडर ऐड करें और चला, सारी चीज़ें अच्छे से इसमें मिक्स हो गई हैं और ये बहुत अच्छे से पक भी गया है। इसे देखिए आप, पानी सूख गया है और ये एकदम खुश्क हो गया है। इसे चलाते चलाते हमने इसको अच्छे से पका लिया है, ये बिल्कुल नहीं चिपक रहा है और इसका कलर भी चेंज हो गया। ये बहुत ही बेसिक सी रेसिपी है, इसे बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आराम से बन जाती है। ये देखिए, इसको उतार लेते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार सब्जी बने हैं। इसे हम सर्व कर लेते हैं, पूरी, पराठा, रोटी, चावल किसी के साथ भी खाएं, बहुत मज़ेदार बनती है। इसे आप सब्जी कहें या फिर भुजी कहें, ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगती है। इसे हम आलू के साथ भी बना सकते हैं, दाल के साथ भी बना सकते हैं और फिर बेसन के साथ भी बना सकते हैं। देखिए, मैंने इसे सर्व कर दिया है रोटी चावल के साथ में, ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना और हमें बताना आपकी सब्जी कैसी। इसे हम देसी साग भी कहते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार होता है और बच्चों का माइंड इससे शार्प होता है। तो इसे आप बचपन में ही बच्चों को खाने का शौक डेवलप करें। आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर बताएँ। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि हमारी ऐसी ही बेनिफिशियल रेसिपी आप तक जल्दी से पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी।